और एक भाई कह रहा था कि यहाँ पर पानी क्या कहते हैं कम था, और पानी का रेखा दिख रहा है यहाँ तक पानी आने वाला है, देख सकते हैं आप लोग, उठा रहा है भाई पानी, और ये देखिए इतना तेज़ी से बहाव कर रहा है, और इधर देखिए सब पानी ही पानी दिखाई दे रहा है भाई, और ये दलदल कर रहा है, देखिए दलदल कर रहा है और बढ़ने का काम कर रहा है। इधर देखिए बाबा यहाँ पर नहाने बैठे हैं, खाना वगैरह सब कुछ खाने का काम कर रहे हैं। स्वागत है भाई हमारे YouTube चैनल में, हम प्रदीप अंदरुआ आज आए हैं डुमरियागंज, जो बूढ़ी राप्ती नदी है इस पे आए हैं, और भाई बड़ा बाढ़ आने वाला है और पानी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है भाई, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लें और आप लोग को दिखा दें कैसा पानी है, कितना पानी है, कैसा क्या, सब वीडियो में दिखाने का काम करते हैं। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद में चलते हैं थोड़ा नदी के पास, दिखा देते हैं कैसा क्या सब कुछ, आइए हम लोग दिखाने का काम करते हैं। और ये देखिए भाई बूढ़ी राप्ती नदी का पुल देखिए यही है, और टेम्पो वगैरह सब कुछ ऐसा चलता रहता है यहाँ पर, और देखिए सब यहाँ पर फल वगैरह सब कुछ ऐसे रहते हैं, और देखिए रास्ता ऐसा ही है। आइए हम लोग चलते हैं थोड़ा पुल के ऊपर और वहाँ पर आप लोगों को दिखाने का काम करते हैं। और ये देखिए आने जाने वाले कितना अच्छे तरीके से आ जा रहे हैं, और यहाँ पर देखिए सब यहाँ पर ऐसा ही रहता है यहाँ बूढ़ी राप्ती नदी पर, और देखिए पुल ऐसा ही है, कोई इंस्पायर हो गया हमको नहीं मालूम है, कोई पूर्वज होंगे, और देखिए उनका क्या कहते हैं वो स्थान बना दिया गया है, और देखिए नीचे ऐसा बैठका वगैरह सब कुछ बना दिया गया है, और देखिए सब ऐसा ही है, और यह है छठ माता का पूजन वगैरह सब कुछ यहाँ पर होता रहता है भाई, और देखिए यहाँ पर पानी ऐसा ही है, और इधर देखिए ऐसा ही है, और उधर देखिए नाव यहाँ पर चलता है भाई डुमरियागंज राप्ती नदी में, ये देखिए, और ये है गंगा माता, और जय गंगा माता, और देखिए पानी ऐसा ही है, और इधर भी देख सकते हैं आप लोग दलदल तो नहीं है, और इधर देखिए बाबा यहाँ पर खाना वगैरह सब कुछ खाने का काम कर रहे हैं और नाए बैठे हैं, और देखिए यहाँ छठी माता का पूजन वगैरह सब कुछ होता रहता है यहाँ पर, और देखिए उधर सीढ़ी वगैरह सब कुछ है, और इधर देखिए पानी ऐसा ही है, और एक भाई बता रहा था कि पानी थोड़ा कम था और अभी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और देखिए पानी ही ऊपर आने की वजह से देखिए इतना इतना तेज़ी से बहाव कर रहा है, और इधर देखिए सब पानी ही पानी दिखाई दे रहा है भाई, और बाढ़ का संभावना भी है यार कि आ जाएगा, और इधर देखिए सब लोग यहाँ पर फोटो वगैरह सब कुछ खींचने का काम कर रहे हैं भाई, और देखिए हम थोड़ा पैर भी धरे हैं, देखिए दलदल कर रहा है, देखिए देखिए दलदल कर रहा है, देखिए अगर कोई अनजान चला जाए तो पूज भी सकता है इसमें, तो देखिए भाई कितना दलदल कर रहा है। और यहाँ पर देखिए फ़ोटो वगैरह सब कुछ यहाँ पर बूढ़ी राप्ती नदी पर ले लिया जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग, भाई लोग सब लोग यहाँ पर फ़ोटो खिंचा रहे हैं, और उधर भी देखिए वहाँ दलदल में भाई खड़ा है, और इधर फ़ोटो खींचने का काम कर रहे हैं। आइए हम थोड़ा चलते हैं ये जो पुल है पुल के उस पार, और वहाँ पर दिखा देते हैं कैसा क्या सब कुछ, और इधर देखिए सब यहाँ पर पुल का ऐसा ही रहता है, और बादल वगैरह सब कुछ यहाँ पर कितना सुनहरा सुनहरा है भाई। और भाई कैसे हैं? बढ़िया है, चलिए ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं सड़क के उस पार और वहाँ पर आप लोग को दिखाने का काम करते हैं। और इधर देखिए सब लोग भाई यहाँ पर बैठे हैं, भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया है, बढ़िया है, खाना वाना खा लिए? अच्छा अच्छा, इधर आए थे आप घूमने के लिए कि कोई प्रोग्राम वगैरह सब कुछ है? अच्छा अच्छा, हाँ, और बाढ़ का क्या संभावना है? अभी 8 दिन पहले तो था। और कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं सही है, सही मतलब लोकेशन थोड़ा घूमने लायक है, पर्यटक स्थल बहुत है, मतलब छठ पूजा होती है यहाँ देखने योग्य होता है। हाँ उधर देखिए छठ माता का पूजा। और भाई सब बढ़िया है? और भाई ओए क्या हाल चाल है? ठीक है, सीढ़ियाँ यहाँ पर ऐसा ही बनाया गया है उस सड़क पे जाने के लिए, और इधर देखिए वगैरह सब, और यहाँ पर देखिए सब यहाँ पर ऐसा ही रहता है, और ये देखिए नदी है, नदी में से धारा बहने का काम कर रहा है, और यह पुल देखिए सड़क किस पार आ गए हैं, और गंगा माता देखिए बहने का काम कर रही हैं, ये देखिए जय गंगा माता, देखिए यहाँ पर पूजन वगैरह सब कुछ होता रहता है यहाँ गंगा माता के इस पार, और देखिए यहाँ पर नाव, और ये देखिए पुल, और ये है बिजली का तार देख सकते हैं आप लोग, और ये गंगा माता, एक भाई पाइप जो दिख रहा है यहाँ पर पानी नहीं आया था, और देखिए पाइप के इस पार भी पानी आ चुका है, ये देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ पर ऐसा रहता, और इधर देखिए दलदल हो चुका है, देखिए ऐसा दलदल हो चुका है भाई, पानी का बहाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ये देखिए
दलदल दिखाई दे रहा है। तो देखिए और पानी देखिए कितना तेज़ी से बह रहा है, बहुत अच्छे तरीके से बह रहा है। और इधर देखिए सब रहते हैं उधर, और ये देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं सब चिड़िया वगैरह सब कुछ ऐसा रहता है। और ये देखिए बाढ़ और पानी बहुत तेज़ी से बह रहा है भाई डुमरियागंज वाले बूढ़ी राप्ती नदी में। और इधर देखिए सब भंवरा वगैरह सब कुछ छोटा छोटा ले रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं भी ले रहा है, छोटा छोटा ले रहा है। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा ना तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, और इसी तरीके से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।